तो हमारा जो चैनल है आज आपको बता रहा है एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए, 16 करोड़। और ये इंजेक्शन जो है ये मतलब पूरी मेडिकल साइंस का, जितने भी आज तक ड्रग्स बने, जितने भी आज तक इंजेक्शंस बने, उन सब का सबसे महंगा जो इंजेक्शन है वो यही एक इंजेक्शन है। और ये इंजेक्शन जिस बीमारी में यूज होता है इसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो कि आपको सांस लेने में दिक्कत करता है। और ये इंजेक्शन जो है वो यूज होने वाला है पहली बार एक बच्चे के, एक ब्रिटेन में एक बच्चा है, महज 8 हफ्ते हुए उस बच्चे को पैदा हुए, और उसको ये बीमारी जो है वो हो गई है, जेनेटिकली प्रॉब्लम उसका हो गया है, और उसको ये 16 करोड़ रुपए का जो इंजेक्शन है वो होगा। अब आप सोचेंगे कि इंजेक्शन में ऐसा क्या है, 16 करोड़ का क्यों है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो बीमारी है वो होती क्या है, तो हम आपको बताते हैं ये होता क्या है। ब्रिटेन में एक 8 हफ्ते का बच्चा जो है वो एक गंभीर बीमारी से मतलब उसको जूझ रहा है। इस बच्चे को जेनेटिकली स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बीमारी है, जिसके इलाज इतना महंगा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए भी इसे करा पाना नामुमकिन है। इस इंजेक्शन दुनिया में सबसे महंगा है इसका इंजेक्शन, इसलिए कोई भी जल्दी एफोर्ड जो है वो नहीं कर पाता। लेकिन इस बच्चे को ये इंजेक्शन जो है ये दिया जा रहा है। ये जो इंजेक्शन जो दिया जा रहा है ऐसे में बीमारी में, जो कि आपका स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होता है, ये बीमारी आपके शरीर में SMN1 जीन की कमी से होती है, जिसके कारण सीने में जो मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर होने लगती है और सांस लेने में परेशानी होती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों को ही होती है, और इलाज ना मिल पाने की वजह से जो बच्चे होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो मर जाते हैं। अब इलाज ना मिल पाने की वजह से और बच्चों को ही क्यों होती है, ये आपको सबसे ज़्यादा बीमारी जो है वो ब्रिटेन में मिलेगी। ब्रिटेन में ये बीमारी सबसे ज़्यादा है, और बहुत ही टाइम पहले से। पहले ब्रिटेन में इस इलाज का कोई मतलब दवा नहीं था, कोई भी जो ड्रग है कोई भी डिस्कवरी हुई नहीं थी, मतलब चल रही थी। महज 3 साल पहले ही इस बीमारी की जो दवाई है वो बनाई गई है। अगर देखा जाए ब्रिटेन में इस बीमारी से होने वाले बच्चों में से 60 बच्चों में ये बीमारी होती है, मतलब अगर 1 साल में जितने भी बच्चे हो रहे होते हैं ब्रिटेन में, तो उनमें से 60 बच्चों को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की जो बीमारी है वो होती ही है। और इसका कारण एक ही है कि जो SMN1 जीन जो होता है वो उनमें नहीं होता। अब SMN1 जीन होता है और उससे क्या आपको प्रॉब्लम होती है, मीन्स जो आपके ब्रेन में जो मोटर न्यूरोन होता है वो मैसेज देना बंद कर देता है। मैसेज देना जो उस पर्टिकुलर जो मांसपेशियाँ होती हैं वहाँ तक वो मैसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, सिग्नल्स नहीं भेज पाते, जिसके कारण वो वर्क जो है वो नहीं कर पाता। और उस कारण वहाँ पे आपको जो मांसपेशियाँ है वो कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे अगर मैसेज नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह जो है वो आपकी कम हो जाएगी, और उसके कारण वो सही से जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और इस कारण आपको ये ऐसे में बीमारी जो है वो होती है। इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है फिलहाल, लेकिन 3 साल पहले तक इस बीमारी का इलाज नहीं था। 2017 में काफ़ी रिसर्च और टेस्टिंग के बाद इस बीमारी की इंजेक्शन बन पाया था। जो इंजेक्शन इसमें यूज हो रहा है उसका नाम होता है जोलगेनेस्मा, जिसे बाद में जोलगेनेस्मा इंजेक्शन का उत्पादन शुरू किया गया। ब्रिटेन में यह दवा नहीं बनती है, यह जो आपकी दवा जो जोलगेनेस्मा है यह दवा आपकी ब्रिटेन में नहीं बनती, यह दवाई जो इंजेक्शन है आपकी दूसरे देशों से उनको इम्पोर्ट करनी पड़ती है, उनको लानी पड़ती है। ये जो दवाई ये सिर्फ 3 ही जगह बनती है, अमेरिका, जर्मनी और जापान, ये इन्हीं 3 जगहों से ये जो दवाई है इनको मंगाते हैं। इंजेक्शन जो होता है पीड़ित मरीज जो होता है, हमारा जो बच्चा होता है या जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको सिर्फ एक बार लगाई जाती है, इसलिए ये इतनी महंगी होती है। इसके अलावा जो जोलगेनेस्मा इंजेक्शन होता है वो जीन थेरेपी में से एक है जिसे यूरोप में इस्तेमाल करने की अनुमति है। जो मतलब यूरोप में आपके 3 जीन थेरेपी जो होती है, मतलब 3 तरह की जीन थेरेपी होती है, उनमें से एक है जिसे यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन जिस बच्चे को लग रहा है उस बच्चे का नाम एडवर्ड है, और इसके माता पिता ने इस इंजेक्शन को लगाने के लिए क्राउड फंडिंग जो है इकट्ठा किया है, जिसमें आपको 1.17 करोड़ जो है रुपए की मदद मिल चुकी है। अब हम अगर आपको बताएं कि ये जो आपकी ऐसे में बीमारी है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है ये किस कारण होती है, मतलब इसका मतलब एक वर्ड क्या होता है, हम 1 मिनट आपको वो बताएं।
एंजमा जो है वो एक आपको फंक्शनल कॉपी प्रोवाइड करवाती है एसएनएम जीन की ह्यूमन में, जो कि आप एसएम मतलब एसएम जोलगेंसमा प्रोवाइड करता है एक फंक्शनल कॉपी ह्यूमन एसएनएम का जीन का, जो कि उस डिसीज़ को प्रोग्रेस करती है और सस्टेन कर देती है एसएमएन प्रोटीन एक्सप्रेशन को। ये जो आपकी इंजेक्शन है ये डिलीवर किया जाता है एडिनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर 9 से, जो कि एबल होती है कि वो क्रॉस कर सके ब्लड ब्रेन बैरियर को और डिलीवर कर सके एक फंक्शनल कॉपी ह्यूमन SMN1 जीन की पेशेंट के CNS में, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है मोटर न्यूरॉन से इंक्लूड हो। तो अगर आपको हमने बता दिया ये आपकी सबसे महंगी दवाई है, अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो, मीन्स आपको अगर हमारा फैक्ट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भी हम बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह भी लेकर आएंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब सब्सक्राइब आवर चैनल ह्यूमन बॉडी फैक्ट। थैंक यू।